हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सभी कंपनीज जो है 15,000, 14,000, 13,000 के बजट में स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बजट है। बहुत से लोग जो है रीच नहीं कर पाते, उतना बजट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, टेक्नो जो है कंसिस्टेंटली रेगुलर जो है काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है कम बजट के अंदर। कुछ स्मार्टफोन्स बहुत बढ़िया भी हैं और कुछ एवरेज हैं। तो दोस्तों, उसी लिस्ट में दोस्तों टेक्नो का एक और नया स्मार्टफोन आ चुका है, टेक्नो का पॉप 5 प्रो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इसके अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं, आपको इस फोन को खरीदना चाहिए ये एवरेज स्मार्टफोन है या फिर दोस्तों एक काफी बेस्ट लेवल का स्मार्टफोन है, और अगर आप एक दोस्तों 10,000 के बजट में स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है 10,000 से कम ही है। तो लाइक करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बात करें दोस्तों बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से इसका मिल जाता है। साइडों में लिखा हुआ मिल जाता है पॉप 5 प्रो, जो कि इसका नाम है। पीछे की तरफ दोस्तों ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इसी के साथ दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर आपको जो रेट लिखा हुआ मिलता है वो है 11,000 का। 11,000 तो इसके ऊपर MRP है, लेकिन जो दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस है जिस पर आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन, वो 8,500 से 9,000 इसका प्राइस है। 9,000 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स, आपको क्या क्या मिलता है, इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूजर मैनुअल मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। 12 मंथ्स वारंटी मेंशनड है इसके ऊपर, तो 12 महीने की वारंटी तो सभी के साथ मिलती ही है। बाकी दोस्तों, इसके साथ आपको बॉक्स में कोई कवर नहीं मिलता, कवर नहीं दिया गया, और थोड़ा सा नया स्मार्टफोन है, मार्केट में भी एकदम आपको नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बॉक्स के अंदर ही कवर होता तो काफी बढ़िया रहता, जो चीज इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। इसके बाद दोस्तों आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, जो कि एक टाइप सी केबल नहीं है। केबल की क्वालिटी जो है सही है, लेंथ और क्वालिटी दोनों सही मिल जाती है, लेकिन दोस्तों टाइप सी केबल नहीं है, ये चीज़ मुझे इसके अंदर एवरेज लगी। डेटा केबल जो है टाइप सी होनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता। तो USB टू माइक्रो USB केबल मिलती है। लास्ट में दोस्तों आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, जो कि आपको 10 वॉट का मिलता है, सिंपल 10 वॉट का चार्जर। फास्ट नहीं दिया गया, जब टाइप सी केबल ही नहीं है तो दोस्तों चार्जर भी फास्ट जो है हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो सिंपल नॉर्मल 10 वॉट का चार्जर मिलता है। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको जो 10 वॉट का चार्जर दिया गया है ना, ये चार्जिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी कैसी मिलती है, तो उसको भी हम अभी चेक कर लेंगे। बाकी दोस्तों बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको दोस्तों नॉर्मल ही मिलते हैं इस फोन के साथ, काफ़ी एवरेज। बस मुझे कमी ये लगी टाइप सी केबल और एक कवर तो होना चाहिए था बॉक्स के अंदर, जो इसके अंदर आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों ये तो थी बॉक्स के कंटेंट्स की बात। चलिए बात करते हैं फोन के डिज़ाइन की। तो दोस्तों अनरैप कर लेते हैं टेक्नो का पॉप 5 प्रो। वैसे टेक्नो के फोन्स के अंदर जो है दोस्तों डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, और दोस्तों पर्सनली मुझे भी डिज़ाइन जो है टेक्नो के फोन्स का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत अच्छा मिलता है। यही कैमरे के पास से तो इस तरीके से यहाँ पे लाइनिंग्स दी गई हैं जो मूव होती हैं जब आप इसको कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। हाँ, मूव हो रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कैमरे के 2 सेंसर दिए गए हैं, और तीसरा जो है दोस्तों आपको यहाँ पे AI की ब्रांडिंग मिलती है। डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, लग रहे हैं 3 कैमरे हैं लेकिन इसमें 2 मिलते हैं, और बराबर में यहाँ पे फ्लैशलाइट मिल जाती है। दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है ना वो हार्ड प्लास्टिक के टाइप का है, तो स्क्रैचेस जो है इस पर एकदम नहीं आएंगे। नो डाउट दोस्तों इसके अंदर आपको काफ़ी ड्यूरेबल डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी लंबा चल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों नीचे की तरफ जो है यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग आपको मिलती है काफ़ी बड़ी, जो इतनी फील नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो ब्रांडिंग का कलर है वो भी बैक पैनल के कलर में ये मिक्स है, तो इस वजह से इतना पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको टेक्नो की ब्रांडिंग मिलती है। हाफ पैटर्न तो इसके अंदर आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है नीचे की तरफ, पर ऊपर की तरफ जो है कैमरे के पास से आपको लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, क्वालिटी में भी, और दोस्तों स्किन हैंड फील भी काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हैवी हम कह सकते हैं, लाइट वेट फोन नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी काफ़ी बड़ी मिलती है। बाकी दोस्तों मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कैमरे का मॉड्यूल जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बड़े बड़े सेंसर हैं, इस वजह से थोड़ा लेटेस्ट लगता है डिज़ाइन। ये आजकल जो है इसी तरीके का डिज़ाइन आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है, लेटेस्ट पैटर्न इसके अंदर कम बजट के अंदर, तो डिज़ाइन में तो दोस्तों मुझे बिल्कुल ये बहुत बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपको जो है टेक्नो के पॉप 5 प्रो का नाम, सॉरी इसका नाम बड़ा मुश्किल है, टेक्नो के पॉप 5 प्रो का जो है डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कर दिएगा दोस्तों नीचे। अब दोस्तों बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है वो मिलती है IPS HD+। डिस्प्ले का साइज़ है 6.5 इंच का, 6.5 इंचेस का। बाकी दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर आपको UI कैसा मिलता है, चलाने में कैसा लगता है, ये स्मूथ लग रहा है या फिर दोस्तों हैंग हो रहा है, तो ये चीज़ हम अभी चेक कर लेते हैं। बाकी दोस्तों डिस्प्ले इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से फिर भी सही दी गई है, ऑन पेपर तो सही मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वालिटी है, कलर्स ब्राइटनेस है, वो हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको यूज़र इंटरफेस जो मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों यूज़र इंटरफेस तो इसके अंदर आपको नॉर्मल ही दिया गया है। बाकी चलाने में जो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है इस फोन का,
वो मुझे इतना ज्यादा फास्ट नहीं लगा जैसे नॉर्मल यूज के अंदर भी, जैसे मैं सेटिंग्स वगैरह में दोस्तों जा रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों नॉर्मल एप्स जो पहले से ही इंस्टॉल है फोन के अंदर उनको ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस इसको चलाने का इतना ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा, काफी जो है मुझे थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है इसके अंदर, इतना ज्यादा फास्ट मैं नहीं कह सकता इसको। तो दोस्तों एक्सपीरियंस जो है अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी डिस्प्ले के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है तो ये चीज तो आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलती है ज्यादातर फोन्स के अंदर 9000 के बजट में। एक आती फोन आपको ऐसा मिलता है जिसमें दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि इसके अंदर आपको नहीं दिया गया 9500 के बजट में, ज्यादा फोन्स नहीं है दोस्तों इसके अंदर भी नहीं मिलता, तो इतनी बड़ी कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो एक्सपीरियंस है मुझे इसको यूज करने में वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं लगा नॉर्मल यूज के अंदर भी। तो दोस्तों आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप एक बहुत ज्यादा नॉर्मल यूजर ही हैं तो इसके अंदर आपको दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको दोस्तों फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए फोन के अंदर तो वो चीज मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है, टेक्नो के जो फोन है आपको चलाने में कैसे लगते हैं, फीचर्स कैसे लगते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर मैटर करता है। दोस्तों डिस्प्ले का जो इसके अंदर आपको डिजाइन मिलता है वो मिलता है नॉच वाला, एजेस बेजल सही दिए गए हैं, बाकी दोस्तों डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो मुझे इसके अंदर नॉर्मल लगे। ब्राइटनेस दोस्तों काफी अच्छी है, लेकिन जो आपको कलर्स मिलते हैं वो तो मुझे इसके डिस्प्ले के जो है नॉर्मल ही लग रहे हैं। बाकी इसके प्राइस पॉइंट को देखें 9000, तो इस बजट के अंदर अब इतना ज्यादा स्मार्टफोन्स भी नहीं आ रहे लेटेस्ट, तो दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्प्ले ठीक दी गई है, ऐसा नहीं कोई कमी है। बाकी दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे इसकी नॉर्मल लगी, ऐसा भी नहीं लगा कि एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया हो, नॉर्मल आपको मिल जाती है, दिक्कत आपको नहीं होगी, साइज भी सही है और दोस्तों कलर्स ब्राइटनेस आपको सही मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पर इसमें आपको सिम की ट्रे दी गई है, दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आप। और दोस्तों ये फोन 4G है, 4G की सिम आपके आराम से काम कर जाएंगे, जियो चला सकते हैं इसके अंदर आप। नीचे की साइड से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट तो इसके अंदर आपको नहीं दिया गया। राइट साइड पर वॉल्यूम के बटन और पावर का बटन है, ऊपर से देखेंगे तो प्लेन डिजाइन है। साइडों से फ्रेम की क्वालिटी भी आपको प्लास्टिक की मिलती है, काफी बढ़िया लग रही है बिल्ड क्वालिटी तो वैसे इसकी फ्रेम की, और दोस्तों इसी के साथ जो है इसके बैक पैनल की क्वालिटी भी सही लग रही है। लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, ये मुझे इसके अंदर काफी बड़ी कमी लगी। 9000 के आसपास इसका प्राइस है, फिंगरप्रिंट स्कैनर तो इसके अंदर होना ही चाहिए था, जो आपको ना साइड में मिलता ना बैक पैनल पे, तो आप इस चीज का दोस्तों ख्याल रखिएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर नहीं है। फेस अनलॉक का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है, उसकी स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे देखिए मैंने अभी अपनी जो है फेस की तरफ इसको करा तो ये कुछ इतना टाइम लेता है अनलॉक होने में, एकदम इतना क्विक फास्ट नहीं है दोस्तों, नॉर्मल स्पीड आपको इसकी मिलती है। तो दोस्तों इस चीज को लेकर आप दोस्तों इसमें ख्याल रखिएगा, आपको फेस अनलॉक दिया गया है और उसकी स्पीड आपको नॉर्मल मिलती है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलता ही नहीं। 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको दोस्तों मिलती है, 3GB, 32GB और 32GB में से इसके अंदर आपको फ्री दी गई है 23GB के आसपास, 23GB तकरीबन फ्री है इसके अंदर और बाकी दोस्तों पहले से ही यूज है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है नॉर्मल, अगर 4GB रैम होती 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फोन होता तो काफी बढ़िया रहता। इसी के साथ दोस्तों एंड्रॉइड के 11 वर्जन के साथ ही आता है, तो ये चीज भी इसके अंदर आपको देखने को अच्छी मिल जाती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे बड़ी खूबी यही मिलती है, इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा, बैटरी इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बड़ी दी गई है, एक दिन का बैटरी बैकअप तो इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए 9000 के आसपास के बजट में, 8500 से 9000 के आसपास, तो ये टेक्नो का पॉप 5 प्रो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, बैटरी इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन चार्जर जो मिलता है इसके साथ वो सिंपल 10W का है, तो 2-2.5 घंटे के आसपास से कम आप मान के चलिए चार्जिंग में टाइम लगेगा, तो चार्जिंग टाइम को लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों बिल्कुल भी, तो ये फोन आपके लिए काफी बढ़िया है। अगर दोस्तों आपका शेड्यूल जो है, आपका जो दिनचर्या है हिंदी में बोले तो अगर वो आपकी जो है ज़्यादा फ्री है, आपके मतलब कन्वीनियंट टाइम है आपके पास चार्जिंग करने में, आपको दिक्कत नहीं होगी अगर 2-3 घंटे। मेरे साथ जो है कई बार ऐसा होता है दोस्तों, 10% चार्ज करा फोन फिर भाग लिया, फिर 10% चार्ज करा तो कई बार जो है बैटरी ड्रेन होती रहती है, हो जाता है कई बार दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है, मैं 10% चार्ज करता हूँ, फिर अपना काम वगैरह में जो है बिजी होने के बाद जो है बैटरी वो खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है फिर दोबारा 10% चार्ज कर लेता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है, शेड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, सुपर बिजी, तो ऐसा हमेशा तो नहीं रहता लेकिन कई बार हो जाता है। रात में जो है ओवरनाइट चार्जिंग मैं करता नहीं पर्सनली, कि रात को लगा के छोड़ दिया, सुबह निकाल लिया दोस्तों फुल चार्ज हो गया, रात को फोन चलाते हुए कई बार सो गए और जो है चार्जिंग पे नहीं लगाया, तो उसके बाद जो है सुबह उठ के देखा तो बैटरी चार्ज नहीं है, रात को लगाना भूल गए या फिर चार्ज नहीं करा, तो दोस्तों फिर दिन में जो है शेड्यूल नहीं हो पाता कई बार चार्जिंग करने का, काम पे निकल गए, तो ऐसा रहता है। तो दोस्तों इस वजह से देखा जाए तो दोस्तों अगर आपको चार्जिंग टाइम जो है 2-2.5 घंटे आप निकाल सकते हैं इजीली अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको चार्जर काफी स्लो ही मिलता है, फास्ट नहीं मिलता इसकी बैटरी के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek का A22 प्रोसेसर दिया गया है, अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर है, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया चाहिए, तो
तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा एवरेज मिलता है दोस्तों। नॉर्मल यूजर अगर आप है बहुत ज्यादा जैसा व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत चला लिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर है, गेम वगैरह आपको खेलने हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए फोन के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोसेसर इसके अंदर आपको नहीं दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको पीछे की तरफ दो कैमरे दिए गए हैं। मेन कैमरा इसका 8 MP का है, 8 MP का। परफॉर्मेंस जो है मुझे इसके कैमरे की नॉर्मल लगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही खराब मिलता है। दोस्तों नॉर्मल आपको कैमरा मिल जाता है। अगर आपको कैमरे की वजह से ही फोन लेना है तो दोस्तों आप थोड़ा बजट बढ़ा लिएगा, 11-12 हज़ार के आसपास आपको और दूसरे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं बहुत बढ़िया कैमरे वाले। लेकिन इसके अंदर दोस्तों आपको कैमरा नॉर्मल मिलता है, नॉर्मल यूजर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों इसी के साथ अगर आपको कैमरे की वजह से ही फोन लेना है तो थोड़ा आप बजट बढ़ा लिएगा। अगर आपको दोस्तों अपने लिए तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट लगती है, बढ़िया डिजाइन, अच्छी बैटरी, इसी के साथ 10 हज़ार से नीचे प्राइस, और दोस्तों बड़ी डिस्प्ले आपको फिर भी चाहिए, तो वो चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर। अगर आपको ये चार चीज़ें फिर भी अच्छी लगी तो दोस्तों आप टेक्नो का पॉप 5 प्रो खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया ही रहेगा। काफ़ी अच्छी खूबियाँ हैं इसके अंदर ये, लेकिन जो इसके अंदर कमियाँ हैं उसका भी आप ख्याल रखिएगा। एक तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा एवरेज मिलता है, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं दिया गया। और इसी के साथ इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज नॉर्मल मिल जाती है, 4GB 64GB होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। दोस्तों ये सबसे बड़ी कमी वैसे देखा जाए तो मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर और दोस्तों बहुत ज़्यादा एवरेज प्रोसेसर को लेकर लगी, ये तो दो मुझे इसके अंदर कमियाँ ही लगी क्लियरली। आप दोस्तों बताइएगा फिर भी कमेंट करके, आपको जो है टेक्नो का ये लेटेस्ट पॉप 5 प्रो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ पसंद आया है फिर नहीं, ये दोस्तों आपकी ज़रूरत के हिसाब से बढ़िया है या फिर नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका कंपैरिजन भी देखना है किसी और फोन के साथ तो कमेंट कर दिएगा दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपकी पसंद की वीडियो भी जल्दी लेकर आने की। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो इसके बढ़िया डिजाइन के लिए दोस्तों ऐसा ही एक बढ़िया बटन जो है नीचे रेड कलर का है, सब्सक्राइब का बटन, इसके डिजाइन की तरह काफी बढ़िया, उसको दबा के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।